हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे, घर पे होंगे, सेफ होंगे। मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक और वेलकम एक बार फिर से भारत के सभी फ्यूचर डॉक्टर्स का। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो री नीट एग्ज़ाम हो रहा है यानी कल 14 अक्टूबर को, तो इसका आपके नीट के कट ऑफ पर क्या इम्पैक्ट होगा। साथ ही साथ हम बात करेंगे उन बच्चों को जिनका कल नीट एग्ज़ाम होना है, वो आज कैसे पढ़ाई करें, क्या स्ट्रेटजी फॉलो करें, और कल नीट एग्ज़ाम में उनका एंट्री टाइम और उनके क्या डॉक्यूमेंट्स उनके पास होने चाहिए जिससे उनको एग्ज़ाम में अपेयर होने दिया जाए और कोई प्रॉब्लम भी ना हो। टॉपिक से बात करेंगे सबसे पहले उन बच्चों की जिनका कल नीट एग्ज़ाम होना है। दोस्तों, मेरे बहुत से व्यूअर्स हैं जो इलाहाबाद या बनारस या MP से थे और उनकी फैमिली में किसी कोविड पॉजिटिव था या उनका एरिया कंटेनमेंट जोन में था जिसके चलते वो नीट एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे। उन्होंने ऑलरेडी कोचिंग ज्वाइन कर रखी थी और काफ़ी हार्डवर्क भी कर रखा था। तो आप सभी के लिए कल एग्ज़ाम होना है। सबसे पहले इस वीडियो को देखने के बाद आप NTA की ऑफिशियल साइट पर जाएँ और देखें कि क्या आपका जो है एडमिट कार्ड का ऑप्शन ओपन हो रहा है। अगर है तो आप उसको डाउनलोड कर लें और फिर अपनी पढ़ाई स्टार्ट करें, क्योंकि आपके पास समय अब 24 आवर्स से भी कम का बचा है। तो आप इसमें बहुत कुछ तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं, क्योंकि कम समय में भी अच्छा हो सकता है। सबसे पहले करना क्या है आपको, अब आप पूरी बुक तो पढ़ नहीं सकते हैं और पढ़ने की कोशिश भी मत करिएगा, क्योंकि पॉसिबल नहीं है। जो आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए थे अभी तक इन एग्ज़ाम से पहले, 10 ईयर, 12 ईयर, 20 ईयर, उन क्वेश्चन पेपर्स को एक बार आराम से बैठ के पढ़ लीजिएगा। फिर इवनिंग शिफ्ट में फिजिक्स के इंपॉर्टेंट फार्मूलेज, डेरिवेशंस, वैल्यूज, जो कुछ भी थी उनको एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आप एक बार पढ़ चुके हैं तब आपको सिर्फ रिवाइज करनी है। ऐसे ही आपको केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स की पॉइंट्स और बायोलॉजी की पॉइंट्स, डायग्राम्स वगैरह देख लेना है बस। इसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी फैमिली में किसी मेंबर को उससे पहले अपने CDO के पास में या आपके पास जो भी आपका एरिया है उसका जो इंचार्ज होता है गवर्नमेंट ऑफिसर, उससे एक बार अपने एरिया का, अगर आप कंटेनमेंट जोन में थे 13 सितंबर को, तो उसका एक सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। अगर आप कोविड पॉजिटिव थे तो आपकी रिपोर्ट, क्योंकि मैं उस डेट से उस डेट के बीच में कोविड पॉजिटिव था इसलिए मैं नीट एग्ज़ाम देने नहीं जा सका, उन डॉक्यूमेंट्स को अरेंज कर लीजिएगा। इसके अलावा आपका आधार कार्ड, आपके पास जो है मास्क, सैनिटाइजर और ग्लव्स, इतनी चीज़ों को लेकर जाना है सेंटर पे। दोपहर में 1 बजे से पहले आपको पहुंच जाना है, क्योंकि उसके 1:30 के बाद आपकी एंट्री नहीं होती तो फिर आपको प्रॉब्लम्स हो जाएगी। लास्ट चांस है, इसको प्लीज मिस मत करिएगा। सेंटर पे कूल होके जाइए, बच्चे कम होंगे, आप रिलैक्स होके जो है पेपर दीजिएगा और आप अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं। एसेसरी आइटम मैंने आपको बता रखा था कि मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव्स, आधार कार्ड और जो आपके पास कंटेनमेंट जोन या कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट है वही होनी है। वैलिड आइटम आपको पता है कि जो मोबाइल फोन्स, वॉचेस, वो सामान जिससे नकल हो सकता है, उन सबको आपको लेकर नहीं जाना है। ड्रेस कोड सिंपल सा रहेगा आपका, आप हाफ स्लीव शर्ट, जीन्स या जो भी पहनिएगा, जो पहनने में आसानी हो, मल्टीपल उसमें जो है पॉकेट वगैरह ना हो और ब्रूचेज वगैरह भी ना हो। शूज़ अलाउड नहीं है, आप स्लीपर्स पहन सकते हैं बस, क्योंकि आप ये सब पता है तो आप उस पर विशेष टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करेंगे उन बच्चों की कि इस बार जो एग्ज़ाम दे चुके हैं तो क्या उनके कट ऑफ पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि रीनीट हो रहा है। तो दोस्तों, ऐसे बच्चे जो रीनीट देंगे उनकी संख्या बहुत कम है, मे बी 1000, 2000 या 3000 ही हो सकती है, क्योंकि ऐसे बहुत कम बच्चे हैं। क्योंकि एक बार नीट एग्ज़ाम हो चुका है, जैसे आपने देखा होगा LN के एक बच्चे ने 720 out of 720 का स्कोर किया है, तो भाई उससे अधिक कट ऑफ कुछ नहीं हो सकता है। एक बार आपने पेपर दिया, पेपर आसान था जैसे कि आप सभी बता रहे हैं, तो कट ऑफ पर कोई विशेष इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब कोई दूसरा बच्चा 720 से अधिक स्कोर तो कर नहीं सकता है। हो सकता है कि इन 1000 बच्चों में 2-4 बच्चे ऐसे हों जिनके स्कोर 600 समथिंग आ सकते हैं अगर उन्होंने पढ़ाई की होगी, क्योंकि नंबर ऑफ बच्चे क्या था कि एग्जाम देने हो चुका उसके बाद वो रिलैक्स हो गए थे कि उनको अब 2021 के लिए प्रिपरेशन करनी है, तो वो पढ़ाई फोकस नहीं कर रहे थे। सडन सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, समय भी 24 आवर्स या 30 आवर्स का ही दिया था, तो पॉसिबिलिटीज बहुत कम है। बट फिर भी जो बच्चों एग्जाम देने वाले हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है, यार जितना समय है उतना यूटिलाइज करो, बेस्ट दो, आई होप आपके साथ बेस्ट होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप हमें कमेंट्स अपने जरूर दें कि आपको वीडियो कैसी लगी, साथ ही साथ आप हमें यह भी बताएं कि क्या लगता है आपको कट ऑफ पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।